चलिए, गुड इवनिंग। पिछले कुछ दिनों से ये भारत पाकिस्तान पुलवामा अटैक के बाद पहले तो सियासी मैदान पर लड़ाई रही, फिर वो क्रिकेट के मैदान में आ गई। हरभजन सिंह ने एक पॉइंट उठाया था अपने आज तक इंडिया टुडे और स्पोर्ट्स तक के माध्यम से कि देश का सेंटिमेंट ये है कि भारत पाकिस्तान से सारे संबंध बंद करे, क्रिकेट भी बंद करे, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप भी भारत ना खेले। फिर वो डिबेट बना और खिलाड़ी आए, किसी ने कहा खेलना चाहिए, किसी ने कहा नहीं खेलना चाहिए। तीन रात पहले बीसीसीआई ने एक शगुफा छोड़ा, वो आपने स्पोर्ट्स तक पर भी देखा, कुछ न्यूज चैनल्स पर भी देखा, आपने अखबार में भी पढ़ा। बीसीसीआई का शगुफा ये था कि हम आईसीसी को चिट्ठी लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे राहुल जी की लफ्जों में, उसमें धमकी देंगे कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर निकालो। उस रात हमने भी ये पॉइंट उठाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ये चिट्ठी लिखोगे सुसाइडल होगा, क्योंकि कभी भी एक मुल्क दूसरे मुल्क को आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर नहीं करवा सकता। द मोमेंट ये वोटिंग पे जाता आप हार जाते। अब दो तीन दिन देश का पूरा जो ध्यान था इसी बात पर रहा, बाकी सब हम भूल गए, हमने ध्यान इस पे डाल दिया, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, वर्ल्ड कप क्यों जाना है, वर्ल्ड कप क्यों जाना है, वर्ल्ड कप क्यों जाना है। आज बीसीसीआई मीटिंग हुई मॉरिस शेरेटन होटल में और राहुल गए थे चश्मदीद दिए। मैं आपसे जानूंगा कि हुआ क्या। सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि लीगैलिटी इस मीटिंग की, ये तीन लोग जिन्होंने मीटिंग की है ये तो बीसीसीआई है ही नहीं इनमें। ठीक है, राहुल जौहरी सीईओ है, वो बीसीसीआई है, ये जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, डायना एडुल जी, विनोद राय और जो नए साहब आए हैं, ये तो बीसीसीआई नहीं है। क्या पता ये वर्ल्ड कप के तक हुई ना, ओरिजिनल बीसीसीआई वापस आ जाए। एक तो बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स को नहीं बुलाया, दूसरा मीटिंग खत्म हो गई ढाक के तीन पांच, नहीं 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 अब हम वो धमकी नहीं दे रहे हैं, हम ये कहेंगे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रख लो, आइंदा आईसीसी को लिखेंगे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दो। कैसे कर दो, आईसीसी क्या करती है, आईसीसी की तो अपनी टूर्नामेंट्स होती हैं, उसमें पाकिस्तान आएगा ही आएगा। भैया वो ऑस्ट्रेलिया खेलेगा पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड खेलेगा, क्योंकि और मुल्क खेलेगा, वो तो बायलैटरल है। तो ये मजाक उड़ाया अपना और शायद पाकिस्तान को मौका दिया आज ये कहने का कि लो जी बीसीसीआई धमकी दे रहा था, अब डर के दुम दबा के भाग गया। बट मुझे लगता है कि जो आज किया ये उस दिन भी हो सकता था, तीन दिन पहले उन्होंने बेसिकली कहा, एक ईमेल लिखा है कि आईसीसी को ईमेल लिखा है जिसमें कहा है कि हम मेंबर बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो टेररिज्म को हार्बर करता है, जो टेरर बैकिंग कंट्रीज हैं, उनसे टाइज जो है अपने सीवियर कर लीजिए, हिंदी में बोलेंगे तो उनसे रिश्ते खत्म कर लीजिए, तोड़ दीजिए जी। तो ये हुआ है आज, और परसों ये हुआ था कि जी हम या तो आप पाकिस्तान को खिला लो या हमें खिला लो, ये थी ये दो अलग अलग बातें। बीसीसीआई को पता चला कि ये 27 तारीख को बोर्ड में हम प्रपोजल अगर रख देते, मीटिंग बैठती, वहां पे बैठे होते 15-16 लोग। यार आज थोड़ी पता चला, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि आप ये करते हैं। अगर ये बच्चे बच्चे को पता है सर यही होता, तो क्या ये डिसीजन, क्या ये डिसीजन बीसीसीआई का था जो परसों हमने जो सुना? बीसीसीआई रोटी को चोची कहता है। अगर मुझे पता है, हमें पता है, हमें हकीकत पता है सबको कि ये कहां से आया था, ये सरकार के किस इंसान से आया और कैसे ट्रेवल किया, तो बीसीसीआई के ये लोग रोटी को चोची कहते हैं क्या? दे फेल फॉर इट। दो चीजें हैं, एक है गोइंग बाय दी सेंटिमेंट्स और दूसरा है प्लेइंग विद दी सेंटिमेंट्स। मैं बस बीसीसीआई हैज प्लेड विद दी सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और दूसरी बात ये है कि वो जो प्लेयर्स हैं, वो जो पिछले चार साल से, मैं आपको जो करना है आप करो, मैं बोल रहा हूं आपको नहीं खेलना मत खेलो, खेलना है खेलो, मैं ये बोल रहा हूँ जो प्लेयर्स है वो क्यों अनसर्टेनिटी में जिए? उनको खेलना है वहां पे वर्ल्ड कप खेलना है, आप उनको बोलो कि भाई हम खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, ये होगा ये नहीं होगा, वो सोच रहे हैं यार खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या तो उनको भी पता है। यार आप मुझे एक चीज बताइए, अगर जो आपने बोला कि हम ऐसा एक ईमेल लिखेंगे जिसमें हम ये होगा कि यार आप पाकिस्तान को लिख दिया गया ये करो, जो लिख दिया था ड्राफ्ट बन चुका था, नहीं ड्राफ्ट ही है, नहीं ये वाला नहीं, जो पुराना वाला वो बस भेजना रह गया था, बस वो सेंड, हां वो सेंड क्लिक करना था, क्लिक रह गया था ड्राफ्ट में। हां तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये बात आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, क्या बीसीसीआई को नहीं पता थी कि ये बात, ये होल्ड ही नहीं करती ये बात? क्यों? क्योंकि जो आपने बोला चला कौन, कौन बैठा है वहां पे? बीसीसीआई के इलेक्टेड मेंबर्स क्यों नहीं थे उसमें? एक मेंबर नहीं था, ठीक है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बीसीसीआई सेक्रेटरी, बीसीसीआई ट्रेजरर, ये तीनों ऑफिस बेयरर्स उस मीटिंग में होने चाहिए थे। सवाल ये है कि ये हिंदुस्तान की हार तो नहीं है? क्योंकि जीत ना कई बार होती है, जीत जो दिखती है, कई बार जीत वो भी होती है जो नहीं दिखती, अदृश्य होती है।
कहते हैं फियर ऑफ द अननोन सबसे बड़ा डर होता है, कि जब आप बच्चे को कहते हो शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, बच्चा डरता रहता है। और जब बच्चा एक बार शेर को देख ले और शेर ने कुछ किया ना, शेर घर चले जाए, शेर का तो डर ही खत्म हो जाता है। देखिए बात ये नहीं कि हम हारे हम जीते, बात ये है कि हम क्या जहाँ पे थे वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आप कहीं आगे बढ़े नहीं, बल्कि आप जो भावनाएं हैं लोगों की, उन भावनाओं के साथ आप खेले। बिल्कुल। और इसको खिलवाड़ कहते हैं। और ये सिर्फ बीसीसीआई के जो अधिकारी आज शामिल थे इस मीटिंग में, उनका ही आलम नहीं है, ये आलम बहुत सारे बड़े पदों पे बैठे हुए लोग सरकार में, सरकार में, अन्य संस्थाओं में, अधिकारी लेवल पे, वो उनके साथ भी है। आज कहीं कुछ घटना होती है, आप शहीद शहीद चिल्लाते हैं, और फिर आप मुझे कहिए कि आप 3 दिन पहले चले तो बीसीसीआई ने शुरू किया था कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करेंगे, उनको वर्ल्ड कप से बाहर करने का। मैं आज जानना चाहता हूँ, क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं? अगर नहीं, दूसरी बात ये कि क्या जो सीआरपीएफ के जवान उस घटना में शहीद हुए, क्या उनको वाकई शहादत का दर्जा मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिलता। सीआरपीएफ के जो लोग शहीद होते हैं उनको आधिकारिक तौर पे शहीद का दर्जा ही नहीं मिलता। क्या उनको जो अर्धसैनिक बल, जो कि आप कभी नक्सल हमला में अपनी जान गंवाते हैं, कभी सीमा पे जान गंवाते हैं, कभी चाइना बॉर्डर पे जान गंवाते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे गंवाते हैं, क्या उनके पेंशन के लिए सरकार सोचती है? मान लीजिए कि कोई कोई जवान 26 साल की उम्र में शहीद हुआ, 26 साल की उम्र के लिए उसकी पेंशन में कंट्रीब्यूशन 7-8 साल का होगा, उसकी परिवार को पेंशन क्या मिलेगा? नहीं नहीं, 2004 के बाद तो पेंशन ही नहीं है। वही कहने, कंट्रीब्यूटरी पेंशन होती है, लेकिन कंट्रीब्यूटरी पेंशन में कितना होगा? 2-4 हजार उसके परिवार का काम चलेगा क्या? और जो शहीद की हम बात करते हैं, जो चरित्र इस सोसाइटी का है कि 4 दिन आप चीखते हो, 5वें दिन से आप भूल जाते हो। आज पुलवामा की बात हो रही है, पीछे उरी में जो हुआ, कितने लोग जानते हैं कि उरी में जितने परिवारों ने, जितने हमारे सैनिकों ने शहादत दी, उनके परिवारों का क्या हाल है? उनसे जो कमिटमेंट किया गया था, क्या वो पूरा हुआ? जो चीज़ें हमारे टॉप में हैं, वही चीज़ें हमारी अन्य संस्थाओं में भी आती हैं। मुझे बिल्कुल इस बात का आश्चर्य नहीं है कि जो टॉप में है वो घूमते घूमते आपके बहुत अच्छा पॉइंट है जिंगोजम किया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सेंटिमेंट से खेलना, जो राहुल ने कहा था, सेंटिमेंट के साथ रहना और सेंटिमेंट से खेलना, ये सेंटिमेंट से खेले हैं। राधिका, सचिन तेंदुलकर जो भारत रत्न है, वो सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 24 साल भारत के क्रिकेट खेली, देश का झंडा है, सचिन पर हर कोई नाज करता है। आज सचिन ने एक ट्वीट किया, ट्वीट नहीं किया, उन्होंने स्पोर्ट्स तक के माध्यम और बाकी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये कहा कि हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हर बार हराया, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि इस बार भी इंडिया जीते और अपने 2 पॉइंट ले, या जितने भी पॉइंट है पूरे ले। हालांकि अगर देश चाहेगा कि मैच छोड़ा जाए तो मैं देश के साथ हूं। क्या गलत बोला सचिन ने? नहीं नहीं, और यही चीज गावस्कर जी ने भी कही थी। और एज एन, वो तो आज लोग कह रहे हैं वो गद्दार है। बिल्कुल, आज आपके, I'm sorry, आज आप करंट टीम से भी पूछें तो वो भी कोई नहीं कहेगा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहते। आज आप अगर जो भी, जिसका जो व्यू पॉइंट है, हाँ, व्यू पॉइंट अगर रखेगा वो आधे लोगों को नाराज करेगा। बिल्कुल, आप ये बोलोगे तो ये नाराज होंगे, ये बोलोगे तो ये नाराज। आपने जैसे कहा, बात ये हो जाती है कि आप या तो सेंटिमेंट, पॉपुलर सेंटिमेंट के हिसाब से बोलें, या फिर आपको जो सही लगता है आप बोलें। सचिन ने जो बोला, उन्होंने फिर भी ये नहीं बोला कि नहीं आप खेलो ही, उन्होंने बोला अगर बाकी पूरी कंट्री, गवर्नमेंट सब चाहते हैं कि हम ना खेलें तो मैं दिल से उस डिसीजन को सपोर्ट। हालांकि उन्होंने खेलना भी नहीं है, हाँ, खुद तो खेलना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि हम हमेशा हराते हैं, हमें इस बार भी हराना चाहिए और पाकिस्तान को 2 फ्री के पॉइंट्स नहीं देने चाहिए। गद्दार, देशद्रोही, हमें उनसे खेलना, वर्ल्ड कप क्या बात कर रहे हो आप? आपके मेन स्ट्रीम चैनल है, मेन स्ट्रीम चैनल है जो अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, वो सुबह से क्या कर रहे हैं? सुबह से उन चैनलों को आप उठा के देखें, सुबह से वो कह रहे हैं कि 10 बज गए, बीसीसीआई ने अभी तक पाकिस्तान के ऊपर वो चिट्ठी क्यों नहीं भेजी, अब 11 बज गए, अब 12 बज गए, अब 1 बज गया, अब 1:15 बज गया, मारो गोली, क्यों नहीं है, क्यों? उसके बाद वही चैनल आज सचिन तेंदुलकर को भी गद्दार कह रहे हैं जी। बड़ी शर्म आती है यार, और शर्म आती है। आप इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं? जैसा आपने कहा, वो लोग कह रहे हैं कि देश से क्या बड़े हो गए 2 पॉइंट्स, ये तो कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में। मतलब आप कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं कि आप देश को सपोर्ट नहीं करते। खेलना नहीं खेलना बात का फैसला है। बीच में ना ढुलमुल वाली बात नहीं होनी चाहिए।
या तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में है या तो वर्ल्ड कप में नहीं। अगर आप उनको वर्ल्ड कप से बाहर नहीं करवा सकते तो मेरा मानना है कि सचिन की राय के साथ हूं कि उनके साथ फिर खेलो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लीग स्तर पे नहीं खेलोगे, आप सेमीफाइनल में पहुंच जाओगे तो खेलोगे नहीं करा सकते, और फाइनल में पहुंचोगे तो खेलोगे। अब फाइनल और सेमीफाइनल में उनसे ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये नौटंकी वाला नहीं है कि नौटंकी के लिए आप मत खेलो। और मैं कहता हूं सर कि अगर ये वॉर ही है, मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान में जो आज चारों तरफ डिमांड हो रही है कि आर पार की लड़ाई करो, आर पार की लड़ाई ही है, तो हम क्यों ना उनके सामने जाएं और उनको क्रिकेट के मैदान पे भी हराएं। सचिन के साथ मैं इस बात पे मैं ये कहता हूं, आज हम चारों ये डिबेट ही नहीं कर रहे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं, हमें खेलना चाहिए कि नहीं। हम लोग चार पत्रकार हैं और पत्रकारों को ऑब्वियसली, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आप जब पत्रकार होते हैं हिंदुस्तानी तो होते हैं, लेकिन हमें ये सिखाया गया था जब आप जर्नलिस्ट बनते हो कि आपकी कोई टीम नहीं होती, आपका कोई मुल्क नहीं होता। हम भी जब अखबारों में लिखते थे हम ये नहीं लिखते थे आवर टीम बीट, हमेशा आप लिखोगे इंडिया स्कोर्ड इतने रन, इंडिया बीट, वो ये सिखाया जाता है। और अलग बात है कि आपके अंदर वो दिल है, आपके अंदर वो हमें गुस्सा आता था, आता है, आता ही है ना, बिल्कुल जब हार जाते हैं। मैं कहता हूं हम चारों ये बात नहीं आज कर रहे हैं कि इंडिया को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि जिस तरह से ये फेनेटिसिज्म हुआ, वो भावनाएं जो पूरे देश की भावनाएं थी, उसके साथ ये बीसीसीआई ने जो आज की तारीख में हिंदुस्तान की क्रिकेट चलाते हैं, मतलब मुझे तो कभी कभी ये सोच के हैरानी होती है कि यार जिस क्रिकेट टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इतने बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं, वो ये लोग उसको गवर्न करते हैं, ये लोग बट आपने जो बात शुरू करी थी, जो आपने अनिल जी से सवाल पूछा था कि हार है या जीत है, देखिए आप, मैं बोल रहा हूँ जो आपने आज किया वो आपके लिए हार नहीं है, वो आपके लिए हार नहीं है, जीत इसलिए नहीं है अभी क्योंकि आपको पता नहीं कि उसका आउटकम क्या होगा। पर जो आपने पहले किया कि हम पाकिस्तान को बोलेंगे भैया निकालो इनको बाहर, वो हार है ना, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना आपको जो चीज देखिए, मैं आप ये या तो आपके इख्तियार में वो चीज हो नहीं, आप ये कहना नहीं चाहते वर्ल्ड कप, हाँ आप देखिए आपके इख्तियार में है कि आप नहीं जाओ, लेकिन जब आपके आपको पता है कि आपके पास वोट नहीं है, आपकी बात आईसीसी में सुनी नहीं जाएगी, अरे और तो आप अननेसेसरी बात करने की जरूरत नहीं, आप अपनी ये तो आउट करना, ये फिर देखो क्या आईसीसी ये इतना बड़ा मामला है, अभी कुछ सालों पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को लेके पूरा अफरा तफरी हो गई थी आईसीसी में, बीसीसीआई ने कहा था ना हम तो 9-1 से हारे थे बीसीसीआई, और वो बीसीसीआई जिसको मिला था इतना पैसा, इतना क्लाउड, इतना ये, इतना वो छींकेंगे, पर बाय द वे, बाय द वे वो तब भी यही रेजीम चल रही थी उस वक्त, अगर आपको याद हो, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो 2.5-3 साल से ये जो ड्रामा चल रहा है, मैं तो कहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है, I'm sorry to say this, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने यार ये क्या किया हुआ है, आप फैसला दीजिए, खत्म कीजिए ना, आप खत्म कीजिए, आप कराइए ना बीसीसीआई के इलेक्शन, आप जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आइए, आप आपके ऑफिस बेयरर्स बैठे हैं यार, मेंबर्स, बोर्ड प्रेसिडेंट का इतना रुतबा होता था, मैं आपको बताऊं राधिका, ये 2005 की बात है, 5 या 6 की बात है, जब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी थी 6 में, और तब आपको याद है एंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर बड़ा झगड़ा था, वो बीसीसीआई ने कराना था चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त बोर्ड प्रेसिडेंट थे रणबीर महिंद्रा, और उन्होंने मुझे कहानी बताई, कहते देखिए बोर्ड प्रेसिडेंट का रुतबा क्या होता था कि कहते मैं बड़ा परेशान था, मैंने पीएमओ में फोन कर दिया और मैंने कहा कि मैं बोर्ड प्रेसिडेंट रणबीर महिंद्रा बोल रहा हूं, मुझे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करनी है इस मुतालिक, कहते मुझे आधे घंटे में फोन आ गया कि जी कल इतने बजे आपकी मीटिंग है, बोर्ड प्रेसिडेंट का वो रुतबा होता था, और मैं कितनी भी बुराई कर ले उनके टाइम भी उनका, मैं कहता हूँ आज श्रीनिवासन होते, अनुराग ठाकुर होते, इस सिचुएशन को बेहतर आप करते, मैं बस ये आप अगर आप मैं आप बोलेंगे यार ये एडमिनिस्ट्रेटर जी तो है क्या है ये है वो, मैं आपको पता है ये बीसीसीआई खड़ा करने में जितना योगदान प्लेयर्स का है, अगर उतना नहीं तो उससे कम भी नहीं है कि जो इन्होंने किया जगमोहन डालमिया, रणबीर सिंह महिंद्रा, राज सिंह डूंगरपुर, मतलब ये लेजेंड्स हैं, मैं कहता हूँ इवन शरद पवार, बिल्कुल श्रीनिवासन, बिल्कुल इतना पैसा क्रिकेट में नहीं आता, पैसा लेकर आए ये सालों की इनकी, मतलब ऐसा है सालों से टिके हुए थे, स्ट्रक्चर देखिए आपका कितना बड़ा है, एग्जैक्टली, और इसीलिए आज आपकी टीम सिर्फ पैसे से नहीं, आपकी हिंदुस्तान की टीम की
तूती बोलती है पूरी दुनिया में। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया दौरे पे शरद पवार उस समय प्रेसिडेंट थे जो 2008 में वाक्य मन किए भारत वो दौरा छोड़ के आने की वहां पहुंच गया था और वहां पे जो बीसीसीआई ने प्रेशर बनाया उसके बाद क्या हुआ उनके खिलाड़ियों का अपने देश में का बैन क्या हश्र हुआ उसके बाद की टीम टूट गई ऑस्ट्रेलिया की टीम टूट गई। एग्जैक्टली बिल्कुल और या तो आप में वो दमखम है वो क्षमता है आप जानते हैं या फिर आप अपने पोजीशन को समझते हैं कि हाँ मैं मेरे में दम नहीं है तो आप आप अपनी इनविंसिबिलिटी तब चेक कर रहे हैं वो भी ऐसी चीज पे जब आपको पता है आप एक डेढ़ साल पहले आपकी जो इनविंसिबिलिटी है जो आपको लगता था वो खुद टूटी थी जो आप 9-1 से। बट फिलहाल सवाल ये है कि बात कि ये अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है जो मतलब पूरी जो जलेबी बनाई जा रही है कुछ दिनों से टेलीविजन चैनल्स पे भी आपने देखा होगा क्या भारत खेलेगा नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ क्यों खेलेगा। एक बात बड़ी मजेदार है जो हमने भी की कि क्या भारत खेले कि ना खेले नहीं, एक होता है सवाल उठाना देखिए हाँ, मैं सवाल मान रहा हूं उस पर हमारे चैनल पे सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। सुनील गावस्कर आए हमारे चैनल पर चेतन जी आए सारे आए आज सचिन तेंदुलकर ने भी अपना बयान रखा है सौरव गांगुली ने अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो रखा है उन्होंने। एक होता पॉइंट ऑफ व्यू जानना जो हमने जाना कि क्या खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए लेकिन आप ये बताइए कि खेलेंगे कि नहीं बीसी आप राधिका मेरे साथ राधिका बट 100% खेलेंगे 100 बिल्कुल राधिका राधिका मैं आपको राधिका मैं आपको बिल्कुल बात पैसों की है ही नहीं आप पैसा छोड़ दीजिए मैं आज आपको लिख के लग रहा है कि सिर्फ पैसे की बात पैसे की नहीं बात तो है 100% लिख लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा अच्छा बुरा सब्जेक्टिव है आप हाँ, हाँ, सही बात है होगा ही सही आप देख लेना होगा आज जिन लोगों की मीटिंग हुई है ये वहां पर आपको मैनचेस्टर में प्रेसिडेंट बॉक्स में बैठे दिखेंगे बिल्कुल दिखेंगे क्यों नहीं दिखेंगे हम भी कवर कर रहे होंगे आप तो बाहर होंगे अच्छा अंदर भी हो सकता मैं अंदर ही होऊंगा टिकट लेके नहीं नहीं मैच की शुरू और बाद में तो आप बाहर होंगे ना स्पोर्ट्स जो भी मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको हकीकत बता रहा हूं राधिका ऐसे ही होगा वक्त बहुत बड़ी चीज है ये जो होता है ना प्रेजेंट टेंस जर्नलिज्म प्रेजेंट टेंस डिसीजन आज चुपचाप देखो सूरज इधर से निकला तो बोल दो इधर से निकला है उधर से निकला तो उधर से निकला है वक्त को कोई कहते ना टाइम इज द बेस्ट कोर्स ऑफ मेडिसिन वो हम नहीं करने देते हैं हम कहते बताओ बताओ अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ वो अभी बताओ के चक्कर में क्या होता है लेने की देने पड़ जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि हालांकि ठीक है ये क्रिकेट अभी भी मुल्क के लिहाज से या जो जाने गई है उसके लिहाज से छोटी चीज है लेकिन एक बात याद रखिए सर क्रिकेट इतनी भी छोटी चीज नहीं है हमारे मुल्क के लिए हमारा मुल्क चलता है इस खेल पर हमारे मुल्क का जज्बा चलता है छोटी बड़ी कोई चीज छोटी नहीं है कोई बड़ी नहीं है जान और मुल्क सही बात इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता लेकिन आज आप ये देखिए कि जो सियासत करते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं दोनों मुल्कों के उनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करने का क्रिकेट देख लीजिए क्रिकेट ही है ना क्रिकेट में डाला ना उन्होंने तड़का कि क्रिकेट में उलझा दो आप मतलब इमीडिएट जो आपके सामने जो दिक्कतें हैं आप उनको नहीं सॉल्व कर रहे जो चीज 4 महीने बाद होनी है क्रिकेट में उलझा दो 4 दिन इधर उलझे रहेंगे और क्रिकेट में हम लोग जो क्रिकेट फैंस है हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है लड़ लो आपस में मर लो मारधाड़ कर लो मैं, सचिन तेंदुलकर को आज अगर लोग बोल रहे हैं ना देशद्रोही है तो लानत है हम लोगों पर वो इंसान यार जिसने 24 साल क्रिकेट खेलकर अपनी जिंदगी मतलब ठीक है आप कहेंगे यार उसको सचिन तेंदुलकर ने वो उस दबाव में 24 साल जिए हैं एक इस इतने बड़े होटल का 5-star होटल का कमरा भी इतना ही बड़ा होता है ना हम लोग अपनी पढ़ाई का दबाव नहीं झेल पाते हैं अपने ऑफिस का दबाव नहीं झेल पाते हैं उस आदमी ने मतलब इतने सालों तक यार मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कितना सबको लगता हो यार क्या मतलब ऐसे बहुत आसान है यार बड़े आदमी को छोटा बनाना बहुत आसान है बट लोग क्रम्बल करे हैं उस प्रेशर को लोग नहीं झेल पाए मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ ये बात है अनिल को याद होगा ये बात है 2009 की या 8 की एक टेस्ट मैच था इंडिया हारा था श्रीलंका से इंडिया में उसमें सचिन ने 100 बनाया था चौथी इनिंग में और इंडिया मैच हार गया था अच्छा उस टाइम पे ना न्यूज चैनल्स में होड़ होती थी सबसे गंदा शो कौन करेगा
तो कोई मैच के मुजरिम भी आता था, कुछ 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 आता था उस दिन आज तक पर, मतलब क्योंकि मैच 4 बजे खत्म हुआ तो हमारे न्यूज चैनल पर एक प्रोग्राम चला जो मैंने एंकर किया और प्रोग्राम का नाम था टीम इंडिया के 5 पप्पू, नेगेटिव कॉनोटेशन, टीम इंडिया के 5 पप्पू, उस टेस्ट मैच को हारने वाले 5 पप्पू इंडिया के, जिसमें सचिन तेंदुलकर की भी फोटो थी। वो मेरी स्पोर्ट्स टीम ने नहीं बनाया था वो, ठीक है, ये 2009 की बात है शायद। मैं एंकर करके आ गया, अब उस वक्त आपको लाइव जाना आप करके आ गए, मैं लड़ा, मैंने कहा किसकी हिम्मत हुई है टीम इंडिया के 5 पप्पू एक तो नाम देने की, ऊपर से आपने जैसे सचिन की फोटो लगा दी, अब लोगों को तो वही प्ले विद द इमोशंस, अरे हो गया। तो मैंने एक एक सवाल पूछा, मैंने कहा तुम लोगों ने देश के लिए क्या किया बताना चाहते हैं, आप बैठे हो, आपने देश के लिए क्या किया, आपने देश के लिए क्या किया, आपने देश के लिए क्या किया, अरे आप लोग देश के लिए करोगे, आप तो केले का छिलका फेंक देते हो यार। सही बात है, च्युइंगम खा के रैपर फेंकते रहते इधर उधर। बट मैं सही बात, मैं अब मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। सचिन का 100th 100 बांग्लादेश के अगेंस्ट था, ठीक है, सचिन ने शुरू किया, फिर बीच में ना धीरे हो गए, इंडिया का स्कोर लग रहा था 350 तक चले जाएगा, पर अल्टीमेटली इंडिया सेटल्ड फॉर 293, ठीक है, और इंडिया हार गया। तो हमारे जो संपादक है, तब मैं एक अखबार में काम करता था, तो हमारे जो एडिटर थे उन्होंने कहा कि, और कुछ डिस्कशन हो गया यार, हरा दिया सचिन ने, ये हरा दिया वो हरा दिया, मैंने कहा सचिन ने कैसे हरा दिया, इंडिया 293 और तो बॉलरों ने हराया ना उस टाइम पे, 293 बांग्लादेश के अगेंस्ट जिसने 293 चेस कर लिए हैं, तो हाउ कैन यू पुट द ब्लेम ऑन सचिन तेंदुलकर फॉर दैट मैटर। हाँ, सचिन की बहुत अच्छी इनिंग्स नहीं थी, बहुत खराब इनिंग्स होंगी, शायद से उनकी बेहतरीन इनिंग्स में नहीं था, पर ये, और आप सचिन तेंदुलकर को लोग आज कटघरे में खड़ा करके बोल रहे हैं, यार मैं बोल रहा हूँ इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ व्यू पॉइंट, हर किसी की अपनी एक राय होनी चाहिए। जो इंसान बंकर में घर में बैठा है ना छुपके, वो जरूरी नहीं है कि सच्चा इंसान हो, क्योंकि वो इसलिए छुपके बैठा है कि उसका इंटरेस्ट है, आज उसका इंटरेस्ट है, उसको लग रहा है आज मैं ये अपने इंटरेस्ट वाली बात बोल दूंगा तो गाली पड़ेगी, नहीं, जो अपने दिल की बात रख दे। Yes. अब दिल तो किसी का सही बुरा नहीं है, जो इंसान आज ये कह रहा है कि वर्ल्ड कप का मैच खेलना चाहिए वो देशद्रोही नहीं है, जो कह रहे नहीं खेलना चाहिए वो क्रिकेट द्रोही नहीं है। मैं बहुत सही बात है, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं, मुझे लगता है कि भारत को ये मैच, आई थिंक एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू हिज और हर ओन ओपिनियन, गावस्कर ने बोला है कि इंडिया को खेलना चाहिए, मैं उनकी भी, उनके सेंटिमेंट्स इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, हरभजन सिंह बोलते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन बोलते हैं, सौरव गांगुली बोलते हैं नहीं खेलना चाहिए, मैं उनके भी इमोशंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि भारत को वो मैच खेलना चाहिए, उनको हराना चाहिए, और मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूँ जितना आप सब हैं जो हिंदुस्तान से देख रहे हैं, और उतना ही इंडियन हूं, और मैं मानता हूं। मुझे एक चीज और बोलना है, किसी का कोई व्यू हो, बीसीसीआई और उनके अधिकारियों की जो आज बैठक थी, उनकी तमाम आलोचना करने के बावजूद एक बात तो तय है ना कि उन्होंने गेंद को सरकार के पाले में डाल दिया, वो हमेशा से वही थी, ठीक है, सरकार के पाले में डाल दिया ना, सरकार के पाले में ही थी। अभी देश में ज्यादातर लोगों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप से बाहर आना चाहिए, सरकार अगर मानती है ना, सरकार तो सरकारी फैसला लेना, हाँ। सरकारी फैसला ले ले। आई थिंक आज होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है, सरकार फैसला ले ले, होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में बोला शायद कि बीसीसीआई फैसला करे, तो मतलब इतना बड़ा फैसला बीसीसीआई कर ले, ठीक है, बीसीसीआई सक्षम नहीं है, सरकार अपनी तरफ से करते ना कि हम नहीं खेले। हालांकि विनोद राय जो है सीओए के चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि जी ऐसा है कि एनी डिसीजन जो भी हम फैसला करेंगे वो हम उन सरकार से कंसल्ट कर करेंगे, ये है, मतलब यूनिलैटरली तो खैर आप ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब आपको सरकार बोल रही है कि सरकार ऐसा लेटर लिखो, इनको ऐसा लेटर लिखवा लिया इनको ऊपर वहां पे, और वहां से धड़ाम करके नीचे गिर गए और नाक कटवा दिया इन्होंने। मुझे पता है, मैं मुझे बड़ी ये सब कहने की जरूरत नहीं थी यार, आई हैड हाई आई थिंक सरकार की तरफ से फैसला हुआ होगा ना कि पाकिस्तान के जो शूटर्स आने वाले थे, वीजा नहीं दिया उनको, वीजा नहीं दिया, तो भारत की सरकार ने एक फैसला जब लिया इन हालात में कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी आने हैं उनको हम वीजा नहीं देंगे, मुझे लगता है सिक्योरिटी रीजंस, वीजा नहीं देंगे, उसकी वजह से कोटा प्लेसेस भी गए हैं, तो भारत सरकार ये फैसला ले ले कि हम भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप से, मुझे मुझे इससे बड़ी चीज, हाँ बिल्कुल, कमेटी ने बोल दिया ना एग्जैक्टली, आप जो कह रहे थे ना ओलंपिक्स करेंगे ओलंपिक्स कराएंगे, उन्होंने कहा इनसे बात नहीं करनी अब इंडिया से,
क्योंकि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ओलंपिक्स हुए ऐसे इनके चार्टर होते हैं बॉस जी, देश बहुत मैं मानता हूँ देश से बड़ी चीज कोई नहीं, लेकिन चार्टर है। पर आप मुझे एक चीज बताइए, देश में वर्ल्ड में आप मुझे बताइए दो तीन बड़े देशों के नाम बताइए जो मतलब पावरफुल है, प्रोग्रेसिव है, डेवलप्ड नेशंस, नाम बताइए दो तीन। अमेरिका और चाइना और रशिया बोलोगे जब रशिया साउथ कोरिया। यार ये जो आपने तीन देखिए, इन लोगों का ना स्पोर्टिंग कल्चर, जितने भी आपने देश बोले, अगर आप डेवलप्ड नेशन हो ना जो इन सब चीजों में, वहां पे आप उनका स्पोर्ट्स कल्चर देखिए, आप देखिए वहां पे ओलंपिक्स होते हैं, वहां पे फीफा वर्ल्ड कप्स होते हैं, वहां बड़े से बड़े इवेंट होते हैं। हमारे देश में हालांकि ये उनको वीजा देना नहीं देना चलिए सरकार ने लिया, बट रिपरकशंस पता है कौन झेलेगा, जो शायद से सोच रहा हो कि यार भारत में एशियन गेम्स आते, कॉमनवेल्थ गेम्स आते, ओलंपिक्स तो चलिए खैर बहुत दूर की बात है, बट आप छोटे छोटे इवेंट्स आप भूल रहे हैं, छोटे एशियन एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप होती है, हालांकि किसी को मतलब नहीं होता उनसे, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं, बट होती है, उसके लिए लोग सालों से तैयारियां करते हैं, आपका यहाँ पे होता है। और मेरा भी मानना है कि जब तक कि आमने सामने की वॉर ना हो तब तक खेलों को राजनीति को दूर ही रखना चाहिए। आज की तारीख में जो पिछला अभी ओलंपिक्स हुए हैं, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में इतना तनातनी था, कब परमाणु बम फूटेगा कोई नहीं जानता था, लेकिन क्या नॉर्थ इजराइल पैलेस्टीन क्या नॉर्थ कोरिया के खिलाड़ी नहीं खेले उस ओलंपिक में, खेले ना फिर नहीं। आप एग्जांपल देने को बहुत, आप बोल सकते हैं भैया 1980-84 में ओलंपिक्स में ये हुआ, क्या आप पीछे देखना चाहते हैं या आगे देखना चाहते हैं? सिंपल बात है भाई, आप पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालना है या इतना आगे बात है तो कर दो ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म। क्षमता नहीं है आज की तारीख में कि वो तमाम मुल्कों पे प्रेशर बना मैं... भारत की तो है, भारत ब्रिटेन से बोले, भारत ऑस्ट्रेलिया से बोले, भारत न्यूजीलैंड से बोले कि भैया पाकिस्तान को क्रिकेट में भी आज क्यों नहीं होगा। मैं जाते एक डिस्क्लेमर और क्लैरिफिकेशन यहाँ देना चाहूंगा, क्योंकि फिर वही हो जाएगा, लोग आपको भी गद्दार बोल देंगे, पता नहीं कितने तो बोलते भी होंगे शायद से आपको, जिस क्योंकि आप चाहते हैं कि बैंक जिनको सर्टिफिकेट को क्योंकि नहीं नहीं क्योंकि आप चाहते नहीं, मैंने, मैंने 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 ये भी बोला था उस दिन, मैंने आज तक पर, वो स्पोर्ट्स तक पर उसका प्रमाण है, मैंने बोला था कि इंडिया को वर्ल्ड कप जाना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मैंने ये भी कहा था कि आप पाकिस्तान को हटाओ, मैंने कहा अगर आप बात करते हो पाकिस्तान से नहीं खेलना, एक मैच छोड़ के क्या होगा, फिर फाइनल आ जाएगा, सेमीफाइनल आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर देश में हम ही लोग कहेंगे नहीं नहीं खेलो यार, प्लीज खेलो यार, ठीक है खेलो ही मत, अब वर्ल्ड कप ही मत जाओ, अब खत्म कर दो वर्ल्ड कप को, बिल्कुल बर्बाद कर दो वर्ल्ड कप को, आप फैसला लो, अब मत जाओ वर्ल्ड कप, आप चाहते हो शान शौकत भी हो आपकी और आप चाहते हो कि टांग भी ऊपर रह जाए, कैसे भाई ये विराट कोहली के साथ अन्याय नहीं होगा। अब अगेन वही बात आ जाती है ना, नॉट जस्ट विराट कोहली, विराट कोहली के माइंड में क्या, वो कल पता चलेगा हमें, वो सवाल का वो कल पता चलेगा, वो अभी तक जो करंट प्लेयर्स हैं एक्सेप्ट फॉर जो चहल से आपने इंटरव्यू किया था या मोहम्मद शमी, हमें बाकियों का उस तरह से डायरेक्ट पता नहीं चला है माइंड, लेकिन कल क्योंकि परसों क्योंकि मैच है शाम को 7 बजे, तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहला मैच है क्योंकि दोनों कप्तान आएंगे, तो कल शाम तक इस वक्त तक हमें पता चल चुका होगा कि विराट कोहली के माइंड में क्या है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसको गद्दारी मत मानिए, लेकिन विराट कोहली अपनी टीम को उन 15 खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं जो देश के लिए कई सपने जीते हैं, जब जब वो सपना हकीकत में तब्दील होता है ना, हम लोग जश्न मनाते हैं पूरा मुल्क, जब जब वो सपना काली रात बन जाता है तब हम सब रोते भी हैं, तो विराट को उनकी टीम को इख्तियार दीजिए, उनको ये अधिकार दीजिए कि अपना माइंड बिना किसी डर के सबके सामने रखें। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये बातचीत जरा भी अच्छी लगी हो सकता है अच्छी ना लगी हो, लेकिन अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी है पॉइंट ऑफ व्यू होना तो प्लीज कम्युनिटी में जाकर अपना कमेंट दीजिए, इस चैट के नीचे भी आप लिख सकते हैं कि क्या वाकई सोच बदली है, हमारी सोच बदलनी चाहिए, क्या ये वक्त के साथ सोच बदलने का वक्त है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं।